नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ पर। दस्तक और क्राइम दोनों का रिलेशन सिर्फ एक ही चीज़ से है, क्राइम से। दस्तक किसी भी चीज़ की कभी भी दे सकती है आपको। वहीं एक ऐसा मामला आया है जो सीधी जिले के मझौली थाना से है, जहां मझौली थाना में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। वही मामला जो आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि ये वारदात आज से लगभग 2.5 महीने पहले का है। ये जो मामला है वो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। ये जो मामला है ये 28 नवंबर को है, जो लगभग 7 बजे एक ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 4 से 5 लोग उसके घर के पास जाते हैं और लड़की का अपहरण करके उसको उठा लिया जाता है। लड़की को क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद, जो कि लड़की के द्वारा बताया जा रहा है कि लड़की को नाक पर कोई ऐसा रुमाल रखा जाता है जिसमें एक स्मेल आती है, स्मेल आने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर में उसको उठाकर कहां लेकर जाते हैं। ऐसा ही पूरा मामला लेकर सामने पेश हुआ हूं, जहां आप लोगों को इस पे कई सारे ऐसे मोड़ देखने को मिलेंगे जहां पर पता ही नहीं चल पा रहा कि वाकई में लड़की का अपहरण हुआ था या नहीं। वाकई में ये भी नहीं पता चल पा रहा है वो जो कि सामने दुष्कर्म का मामला बताया जा रहा है कि क्या दुष्कर्म हुआ भी है या नहीं। वहीं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस इस केस को लगभग 60 से 65 दिन हो चुके हैं, जिसको कहीं ना कहीं वो सुलझाने की काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस को भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या ये मामला रहा। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सीधी जिले में इस केस को लगभग एक छोर जो है तो बाहरी थाना के अंतर्गत लगता है, और दूसरा जो छोर है वो लगभग आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मझौली थाना लगता है। दोनों के डिस्टेंस अगर देखी जाए तो लगभग 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बहुत सारे गहरे राज दबे हुए हैं, जहां ये जो गहरे राज बताए जा रहे हैं वो राज इस तरीके के हैं कि इसमें कई सारे फोटो और वीडियो भी वायरल हुए हैं। पूरी कहानी के साथ में हाजिर हुआ हूं, जो आप लोगों को पार्ट बाई पार्ट एक एक पार्ट करके पूरी जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। पहले ये लड़की का आप बयान देखिए। मैं जानना चाह रहा था जी, 28 नवंबर को हमारे यहाँ हमें खाना बना रही थी, बाहर निकली बाथरूम करने के लिए, तो पता नहीं वो लोग कहाँ छुपे थे। अचानक से मेरे पीछे से आके मेरा मुंह पकड़ लिए और दोनों मेरे हाथ पकड़ लिए, पांव झटके पांव भी पकड़ लिए, और उसी दौरान कुछ दवा डाला था उसमें जो मेरा मुंह पकड़ के रखे थे। उस दौरान हम बेहोश हो गए और हमें पता नहीं कहाँ उठा के ले गए, हमें पता नहीं, हम बेहोश हो चुके थे। बयान देखने के बाद ये तो पता चल पा रहा है कि इसका आरोप ये है, लेकिन पूरी जानकारी हम आप लोगों को पार्ट बाई पार्ट मैंने पहले ही बताया आपको कि किस तरीके से मैं इस कहानी को प्रस्तुत करूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तरंग 24 न्यूज पर ये बेहद बड़ा खुलासा होने वाला है, ये न्यूज पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज से लगभग 60 से 65 दिन पहले एक लड़की के साथ अगर इस तरीके से दुष्कर्म हुआ था, सामूहिक दुष्कर्म अगर हुआ था, तो क्या इसकी सत्यता है। क्योंकि एक तरफ अभी तक ये जो उसके अपराधी यानी कि जो जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वो बिल्कुल आज़ाद हैं, उनको ना तो जेल में डाला गया ना ही अभी तक कोई कार्यवाही हुई है, लेकिन क्यों नहीं हुई ये एक बड़ा सवाल है। जो सभी इस मामले में आज तक आज़ाद घूम रहे हैं वो क्यों घूम रहे हैं। इस देश में इस तरीके से अगर दुष्कर्म हो रहा है, अगर दुष्कर्म होता ही रहा तो हमारे देश की लड़कियां सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी। पूरा मामला क्या है जानने के लिए तरंग 24 न्यूज पर बने रहें, और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगली कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी कहानी A to Z क्या कैसा मामला रहा पूरा अपडेट करवाऊंगा पार्ट बाई पार्ट। तो बने रहे तरंग 24 न्यूज पर, अगली जल्द से जल्द आप लोगों को ये खबर मिलेगी कहानी कि आखिर में क्या कैसे और कब हुआ। तो शुरुआत करेंगे हम पहला पार्ट से, तो जुड़े रहें उसके लिए तरंग 24 न्यूज पर। मैं रवि कुमार पांडे फिर पेश होता हूं इस कहानी से रिलेटेड पूरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।